कभी सुबह में, कभी शाम में, कभी दिन में, कभी रात में, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि 24 घंटे के दिन में कभी भी जिम जा कर के हिट करना है। एक घंटे कम से कम, मतलब पूरे दिन का 0.4% टाइम अपना अपने एक्सरसाइज के ऊपर देना है। तो अभी निकल रहा हूँ जिम, आज आर्म्स करने वाला हूँ। शाम हो चुकी है, प्रोबेबली इस समय तो जिम में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, रश दबा की होगी, लेकिन अपने को फर्क नहीं पड़ता है। अरे वाह, इधर तो काम प्रोग्रेस पे है। ये देखिए तो लोहे के पिलर्स खड़े होने लगे। बाप रे बाप, कितना रश होता है शाम को। एक एक्सरसाइज करने के लिए 2-3 मिनट तक वेट करना पड़ रहा है, तब वो जगह मिल रही है कि आप एक्सरसाइज कर पाओ। लेकिन वर्कआउट बढ़िया रहा आर्म्स का। ओह, शाम को आएंगे भाई। जिम से आने के बाद एक एडिटिंग प्रोजेक्ट मैं अभी कर रहा हूँ, उसमें लग गया था तो काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि उसमें ना ग्रीन बैकग्राउंड शूट किया हुआ है, तो उसमें थोड़ा एडिटिंग वगैरह करने में ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू ऑन सेट वाली होती है। तो वो करते करते बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। उसके बाद शाम हुआ, नहाया धोया, उसके बाद मैं बाहर निकला कि चलो सब्जी वब्जी ले के आते हैं, थोड़ा खाना वाना बनाएंगे घर में ही। भाई साहब, नीचे उतरा हूँ मैं नहा करके एकदम बढ़िया से, और उसका टहलने लगा नीचे। 2 किलोमीटर का सर्किट है जो मैंने अभी ये दूसरा राउंड में मार रहा हूँ, और घूमते घूमते पसीने से दोबारा ये टी शर्ट वगैरह लथपथ हो चुका है। तो मौसम ऐसा भी है, गर्मी है ही। मैं अपने आप के ऊपर हंस रहा हूँ कि मतलब नहा के मैं सब्जी लेने निकला था और टहलने लगा, लेकिन टहल टहल के अच्छा लग रहा है। एक बिना बर्फ घड़ी में इस समय 2 बज रहे हैं। पिछले 1 घंटे से यही हॉल में बैठ करके सोफे पे मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब करीब 1 घंटे लगातार पढ़ने के बाद मेरा कंसंट्रेशन खत्म होते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सामने शब्द तो पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है। आई डोंट नो, रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही है, 1 हफ्ते से अधिक हो गए। लेट्स सी, कल भी ऐसा ही हुआ था, परसों भी ऐसा ही हुआ था, उसके पहले भी ऐसा ही, और उसके पहले भी ऐसा ही। रात को नींद, रात को 11 बजे मैंने डिनर किया था अपना, नीचे से तो कुछ नहीं लाया था, घर पे ही आके मैंने दाल फ्राई बनाया और रोटी बनाया खा करके, उसके बाद हॉल में बैठा था। अभी 2 बज गए हैं, भूख लग गई है दोबारा से, तो मैंने पीनट बटर और ब्रेड अभी एक लगाया है। Hey guys, welcome back to the vlog. कैसे हैं आप सब? आज दूसरा दिन है और मैं अभी बैठा हूँ अपने फेवरेट जगह पे, जैसा आप लोग जानते हो, और पढ़ रहा हूँ अपने इस किताब को। आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, आज की सुबह मेरी थोड़ी लेट हुई। आप देख लो कि कितना टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं। बाहर का मौसम देखो, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है और धूप अभी बिल्कुल निकली ही नहीं। ऐसे सुनहरे मौसम में हवा हल्की हल्की झोंके जो मेरे घर के अंदर आ रही है खिड़की के पास से, और मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ पिछले 1.5 घंटे से। कल रात में पढ़ा, पढ़ने का एक लत होता है जिसको आप पढ़ते जाओगे और वो आपको अपनी एक कहानी के धुन में लेके जाया जा करता है। 20 पन्ने और बचे हैं जिसको आज में या कल तक में मैं ख़त्म ही कर दूंगा, लेकिन जब कहानी ख़त्म होने वाली होती है तो पता नहीं क्यों ऐसा मन करता है कि नहीं यार, अभी इसको इधर ही रोक के रखो, ख़त्म नहीं होने देना चाहते। यही हमारे लाइफ के साथ भी है। ज़िंदगी में हम हर दिन जीते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि हमारा अंत कब है। अगर हमें पता चल जाए कि हमारा अंत कब है, तो हम उस अंत के इंतज़ार में अपनी पूरी ज़िंदगी यूँ वेस्ट कर देंगे। पता नहीं कि ये मैं बोल रहा हूँ या मेरे अंदर जो ये पढ़े का असर है वो बोल रहा है, बट येस, दिस इज फैक्ट। मेरा लैपटॉप माल फंक्शन कर रहा है 92-91 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने बंद किया है एडिटिंग ऐप, तब जाके थोड़ा कूल हो रहा है। नहीं, बढ़ ही रहा है यार, टेम्परेचर इसकी बढ़ते जा रही है, और ये यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा गर्म, 98 डिग्री। अबे 100 के बाद तो इवेपोरेट हो जाएगा, पानी थोड़ी है भाई। सब खत्म हो गया भाई साहब, वाट लग गई आज बैक मारने में। स्टाइल है ब्रो, स्टाइल। उम्र के साथ चीजें समझ में नहीं आती, पता है मेरे को। हम लोग पैतरे वाले हैं। भाई
कड़क कार है भाई, इसका तो नाम भी पता ना चल रहा है, लेकिन कोई दुबई लिखा है देख, दुबई G2927 आज इतने साल बाद हम लोग क्लब आए हैं, लेकिन मुद्दतों बाद भी देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, इतनी ज्यादा वेटिंग है कि क्या बताएं। अभी कार हम लोग पार्किंग में देने वाले हैं, क्या विक्की, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे दुबई की कार है, चल साले लाइन में रुकना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्लब से घर जा रहे हैं वापस, और पेट्रोल खत्म हो गई है, तो इस कार में थोड़ा पेट्रोल वगैरह भरवा लिया जाए। इडली है क्या? इडली वड़ा है। एक प्लेट दे दो ना, मिक्स करके दे देना, इडली वड़ा दोनों मिक्स करके। कितना है? 20 रुपए है। 25 रुपए भैया, लो लो लीजिए। मैंने ये इडली वड़ा लिया है, लेकिन मेरे पास गूगल पे चल ही नहीं रहा है, तो कैसे कैसे करके 25 रुपया कैश निकाला है मैंने। लो अपने घर। आदित्य भाई गए अपने घर, मैं जा रहा हूँ अपने घर। कुत्ते कितने भौंक रहे हैं यार, ये देखो मेरे पीछे ये कुत्ता आ रहा है, इधर ये लोग आ रहे हैं, कितने सारे कुत्ते आ रहे हैं पीछे। हम लोगों ने आज क्या मस्त डांस किया है भाई साहब, 3 साल बाद क्लब गए, इतना डांस किया दबा करके, खुल करके, एकदम मस्त मजा आ गया आज। और आपको पता है हमने बिरयानी ऑर्डर किया था, एक चिकन बिरयानी और एक एग बिरयानी। चिकन बिरयानी तो आदित्य भाई खा चुके थे, एग बिरयानी मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था, मगर डांस करने में मैं इतना ज़्यादा मगन था कि एग बिरयानी खाने का मौका ही नहीं मिला, और तब क्लब बंद होने लगा, उन लोगों ने हटा दिया। फिर मुझे भूख लगी थी, तब जाके मैं इडली वड़ा खाया, जो है पैसे तो लग गए, खा नहीं पाया, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेट्स गो, अब घर चलते हैं। ओह, पूरा टी शर्ट भी, पूरा शर्ट भी किया भाई साहब, पूरा शर्ट, इतना डांस किया हूँ।